सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निरंकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथ चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस। ये वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। यह धर्म अपने आप में इतना विशाल है कि इसमें समय समय पर विभिन्न धर्म निकलते रहे। कुछ पुरानी परंपराएं टूटती रही और कुछ नई जुड़ती रही। कुछ पुरानी मान्यताएं जो कि तो रही तो कुछ मान्यताएं इसमें समाती रही। कुछ मिला तो कुछ पुराना छूटता गया। कुछ पुराना यूं ही है तो कुछ नया जुड़ता गया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म और वैदिक धर्म। अपने मूल रूप हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म का नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। परमपिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में किया। जैसे हम जब नया मोबाइल लाते हैं तो साथ में एक दीर्घदर्शिका मिलती है जिसे हम मैनुअल गाइड कहते हैं। उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर रखें, इस प्रकार से बरतें, अमुक स्थान पर ना ले जाएं, अमुक चीज के साथ ना रखें आदि। उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव तन दिए तथा संपूर्ण सृष्टि हमें रच कर दी। तब क्या उसने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान व बिना किसी निर्देशों के भटकने को छोड़ दिया? जी नहीं, उसने हमें साथ में एक दीर्घदर्शिका दी कि इस सृष्टि को कैसे बरतें, क्या करें, ये तन से क्या करें, इसे कहाँ लेकर जाएं और मन से क्या विचारें, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुने, हाथों से क्या करें आदि। उसी का नाम वेद है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।